इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। कोरोना की महामारी पिछले साल किसी ने नाम भी नहीं सुना था, और मुझे याद है भारत का पहला पेशेंट 30 जनवरी को आया, लेकिन उसके पहले महीना भर मोदी जी हर कैबिनेट मीटिंग में ये बताते थे कि ये संकट गहरा है, सारे दुनिया में आ सकता है, हमें तैयारी करनी चाहिए, हमें सावधानी बरतनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के अनुसार देश में कोरोना आने के एक महीने पहले से ही प्रधानमंत्री मोदी इस बीमारी के बारे में अपनी हर कैबिनेट मीटिंग में बात कर रहे थे। हाँ, वही प्रधानमंत्री मोदी जो 24 फरवरी को अहमदाबाद में हजारों लोगों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह किए बिना नमस्ते ट्रंप बोल रहे थे, और ये वही कैबिनेट है जिसने 4 मार्च तक भारत में आने वाले सभी यात्रियों की ठीक से जांच तक नहीं शुरू की थी। अगर पहले से मोदी जी अपनी कैबिनेट से इस बारे में बात कर रहे थे तो फिर क्यों 24 मार्च तक देश में एक भी कोविड केयर सेंटर नहीं था और न ही पीपीई किट्स पर ध्यान दिया गया था, बल्कि ग्लव्स जैसी महत्वपूर्ण चीजें एक्सपोर्ट की जा रही थी। पर शायद मोदी जी को कोरोना से देशवासियों को बचाने से ज्यादा लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकार गिराने में दिलचस्पी थी। अगर पहले से ही मोदी जी इस बीमारी के खतरे से वाकिफ थे तो फिर क्यों 25 मार्च को इतने अनप्लान्ड तरीके से लॉकडाउन अनाउंस किया गया, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था की कमर तो टूटी ही, साथ में लाखों प्रवासी मजदूरों की जिंदगी नरक बन गई, पर इस बीमारी पर कोई खास असर नहीं पड़ा। जहां बाकी देशों में लॉकडाउन के बाद केसेस कम हुए हैं, वहीं यहां आज तकरीबन 3 लाख केसेस हैं और भारत कोरोना संक्रमण में विश्व में चौथे नंबर पर है। जावड़ेकर जी, देश आपकी सरकार की विफलताओं को पूरी तरह से समझ चुका है, इसलिए बेहतर ये होगा कि आप सूचना मंत्री की पद की गरिमा को बनाए रखें और देश में गलत सूचना का प्रसारण ना करें।